नमस्कार दोस्तों, बिहार बिजली विभाग की ओर से एक और नई भर्ती की सूचना आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बिजली विभाग नई भर्ती ग्रामीण मीटर रीडर। सबसे पहले ये वैकेंसी क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि अब जो है बिहार के सभी गांवों में जो है स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसमें रिचार्ज करने की जो टेंशन है उसी को समाप्त करने के लिए जो है बिजली कंपनी के द्वारा ग्रामीण मीटर रीडर की बहाली करेगी, जिसमें इनका काम जो होगा मीटर का रिचार्ज करना होगा और मीटर को समय समय पे जांच करना, कहीं पे देखना कि उसमें कनेक्शन ठीक है कि नहीं है, टावर ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बिना कभी कभी ऐसा भी होता है कि टावर ना होने के कारण पैसा मीटर में रहते हुए भी लाइन कट जाता है। तो वही सब समस्या को देखना इनका काम होगा और ये बहाली जो है हर गाँव में होनी है। तो नोटिस आ चुकी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की और भी जानकारियाँ पाने। तो आइए मैं आपको नोटिस पहले दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई है वो है साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से जारी की गई है, SBPDCL की ओर से। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि बताया गया है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL ए गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग। तो जो SBPDCL है वो बिहार गवर्नमेंट से अंडरटेकिंग है, यानी कि जुड़ा हुआ है, इनके बिहार सरकार के अंतर्गत आता है और इसमें जो है इनवाइट किया गया है ऑनलाइन टेंडर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसी फॉर स्पॉट बिलिंग एनर्जी बिल कलेक्शन एंड रिचार्ज इंस्पेक्शन ऑफ स्मार्ट मीटर ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जितने भी साउथ बिहार के हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे साउथ बिहार हो गया, नॉर्थ बिहार हो गया, तो जितने भी कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं इसके, बिजली विभाग के जितने भी कस्टमर हैं सभी के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है ग्रामीण इलाके में। तो उसी का जो है बिजली बिल का कलेक्शन करना, बिजली बिल लेना, स्पॉट बिलिंग करना और इसके अलावा इंस्पेक्शन करना और रिचार्ज करना। तो इसके लिए जो है एजेंसी का चयन किया जा रहा है और एजेंसी के माध्यम से ही इसमें जो वैकेंसी होगी, जो भर्ती होगी स्मार्ट मीटर रीडर की, उसकी वैकेंसी जो है वो एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। अभी एजेंसी की चयन प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका डेट भी दिया गया है एजेंसी चयन के लिए 27/8/2024 तक लास्ट डेट है। तो जब तक ये एजेंसी का चयन नहीं होता है तब तक वैकेंसी जो है वो अभी नहीं आएगी। तो जैसे ही वैकेंसी, ये जो एजेंसी का चयन हो जाता है वैसे ही शुरुआत हो जाएगी वैकेंसी की, मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ। इसकी सूचना दोस्तों अखबारों में भी जारी की गई है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिंदुस्तान अखबार में भी ये जारी किया गया है। हिंदुस्तान में क्या दिया गया है देख पा रहे होंगे कि एजेंसी के माध्यम से प्रतिनिधि बहाल करने की तैयारी चल रही है, हर गांव में एक प्रतिनिधि होंगे जो स्मार्ट मीटर रिचार्ज करेंगे, साथ ही स्मार्ट मीटर का भौतिक सत्यापन भी करेंगे। तो क्या है पूरी जानकारी देखिए इसमें भी दी गई है, मैं आपको एक एक करके सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए 2-3 महीने में सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, बिजली कंपनी ने हर गांव के लिए एक प्रतिनिधि रखेगी जो स्मार्ट मीटर का रिचार्ज का काम करेंगे। सामान्य मीटर रहने पर उपभोक्ताओं के यहाँ कंपनी के मीटर प्रतिनिधि मीटर रीडिंग करने जाया करते थे, आपको पता ही है जो कंपनीज के द्वारा जो है मीटर रीडिंग करने आपके घर पे जाते हैं, उसी के तर्ज पर जो है ये अब जो है आपका गांव-गांव में हर घर में जाके आपके मीटर का जो है रिचार्ज करने का काम इनको दिया जाएगा, जो ग्रामीण मीटर रीडर होंगे जिसकी बहाली होनी है। उसी तर्ज पर प्रतिनिधि घर घर जाकर मीटर रिचार्ज करेंगे, बदले में कंपनी जो है कमीशन भी देगी। इन प्रतिनिधियों को कंपनी 1.5 से 2% का कमीशन भी देगी और प्रतिनिधियों को एजेंसी के माध्यम से ही बहाल किया जाएगा। तो एजेंसी के माध्यम से बहाल किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया भी था, एजेंसी का चयन अभी होना है तो उसके लिए लास्ट डेट भी 27/8/2024 निर्धारित है। जैसे ही एजेंसी का चयन होता है तो ये बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एजेंसी के लिए कंपनी ने निविदा जारी कर दी है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था नोटिस, अगले 2-3 महीनों में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब देखिए अगर आप इस पूरा न्यूज को देखें तो इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाती है। देखिए राज्य के स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, अगर वे खुद से मीटर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो उनके दरवाजे पर जाकर बिजली कंपनी के प्रतिनिधि रिचार्ज
कर देंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को परेशानी ना हो इसके लिए कंपनी हर गांव में एक प्रतिनिधि रखेगी जो मीटर रिचार्ज कर सके। प्रतिनिधियों को कंपनी की ओर से चयनित एजेंसी के जरिए बहाल किया जाएगा। तो समझ गए, बहाल किया जाएगा यानी भर्ती की जाएगी। तो जैसे ही इसकी और विस्तृत सूचना दोस्तों आती है, यानी कि कौन सी कंपनी आपको यहाँ पे बहाली करने वाली है, उसकी जानकारी जैसे ही प्राप्त होती है, मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा और कैसे आपको उसमें फॉर्म भरना है, कैसे उसमें आपका चयन होगा, सब कुछ बताऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उससे जुड़ा हुआ तो आपको वीडियो मिल जाए और आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाए। तो ये जो है 3 महीने 2 महीने के अंदर सारा काम होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि इसका लाभ दूसरे भी ले सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।